सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। माता के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है श्रद्धा भक्ति भाव से, जिससे हमारे घर में सुख शांति आती है, हमारा पूरा साल हरा भरा रहता है, माता का आशीर्वाद हमें मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ज्वारे बोने का जौ बोने की परफेक्ट और सही विधि बताऊंगी, जिससे ज्वारे आपके जौ लहलाते हुए हरे भरे निकलें और माता का आशीर्वाद आप पे बना रहा है। कहते हैं जौ अच्छे हरे भरे होते हैं तो माता का आशीर्वाद मिलता है और आपकी पूजा सफल होती है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो गई है, माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। अगर हरे भरे और बड़े बड़े ज्वारे निकलते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि ज्वारे कैसे बोएं जिससे आपके हरे भरे ज्वारे निकला। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि में ज्वारे बोने का सही तरीका, जिससे आपके ज्वारे जौ को बहुत अच्छे हों। और नवरात्रि में जौ बोने का बहुत महत्व होता है। अगर इसे ज्वारों को अच्छे सही विधि से बोया जाए तो ये लहलाते हुए बहुत बड़े बड़े अच्छे से उगते हैं और जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। कहा जाता है ज्वारे अच्छे होते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है, पूरा साल अच्छा जाता है और ज्वारे को माता का रूप समझा जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ सही ढंग से ज्वारे किस तरह से बोने चाहिए, ज्वारे बोने की सही विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए अच्छी पवित्र जगह की मिट्टी। ये मिट्टी को मैंने छान लिया है, इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। और हमें चाहिए जौ, ये जौ चाहिए हमें चाहिए एक प्लेट। गहरी प्लेट ले लें या आप मिट्टी के पात्र में बोना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप इस तरह की गहरी प्लेट ले लीजिए। और हमें चाहिए पानी थोड़ा सा, और चाहिए हमें गौमूत्र, ये देखिए गौमूत्र है। और अगर आप गौमूत्र ना चाहें तो गोबर ले लें, गाय का गोबर, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आपको उपलब्ध हो पा रहा है किस तरह, तो आप इस तरह से गौमूत्र को भी यूज कर सकते हैं। गौमूत्र पूजा में बहुत पवित्र माना गया है। तो इसके लिए हम पहले प्लेट में डाल लेंगे मिट्टी इस तरह से। थोड़ी ज़्यादा सी मिट्टी डालेंगे इस तरह से मिट्टी डाल लेंगे। और गाय का गोबर हो तो इसमें गाय का गोबर मिक्स कर लेंगे, और नहीं है जैसे मिट्टी डालने के बाद इसमें डालिए जौ इस तरह से। और फिर थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा गीले ना हो जाए। स्टील की प्लेट है तो पानी सूखेगा भी नहीं इसमें, तो पानी भी हमें हिसाब से डालना पड़ेगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गौमूत्र, गौमूत्र ज़्यादा नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही पड़ता है। आप दो ढक्कन डाल दीजिए, बस काफ़ी है इतना। और फिर हम इसमें डाल देंगे ऊपर से मिट्टी छनी हुई इस तरह से। एक लेयर फिर से बिछा देंगे मिट्टी की, और फिर से हम इसमें एक लेयर चौकी डालेंगे। इस तरह से हम डाल देंगे पूरे में, और फिर से हम इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डालेंगे इस तरह से। मिट्टी फ्रेंड्स छनी होनी चाहिए, इसमें गांठ है नहीं होनी चाहिए, ज्वारे अच्छे होते हैं ऐसे। और इसमें हम थोड़ा सा बीच में जगह कर लेंगे ताकि अपना कलश रख सकें इसमें इस तरह से, देखिए इस तरह से। और इसमें फिर डाल देंगे पानी। ये ज्वारे बोने के एकदम सही परफेक्ट
विधि है, इसी तरह से जवारे बोए जाते हैं। आप इस तरह से जवारे बोएंगे तो आपके बहुत से अच्छे जौ उगेंगे, बहुत अच्छी माता रानी का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर इस तरह से। और आप मिट्टी को इस तरह से गीला कर दीजिए ताकि ये पूरी तरह से मिट्टी गीली हो जाए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और बीच में जगह हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसमें कलश रख सकें बीच में छोटे। और फिर 2-3 दिन बाद नवरात्रि में अब बहुत हल्का हल्का पानी डालिए आप इस तरह से। अब यहाँ पे हम बीच में इस तरह से कलश की स्थापना कर देते हैं इस तरह से ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जवारे बोने का सही तरीका ये है, आप भी इस तरह से जवारे बोइएगा, आपके भी बहुत अच्छी फसल होगी और बहुत अच्छी माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और ये काम बहुत ही पुण्य का है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी को नहीं पता हो जवारे कैसे बोए जाते हैं और बोना चाहता हो तो ये वीडियो उसके काम की हो सकती है। तो और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बेल आइकन में आप ऑल वाला बटन दबाइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो देखी।